ओम गण गणपताय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। आज बुधवार है और 10 फरवरी 2015 चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शतात्रा नक्षत्र है जिसको शतभिषा नक्षत्र भी कहते हैं। राहु काल की बात करें तो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर को राहु काल है, तो बुद्धि को प्रगाढ़ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को किस तरह आप उसकी बुद्धि तीव्र कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था। तो चलिए चलते हैं ग्रहों की रहस्यमय दुनिया में। पहली राशि से मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातक ध्यान दें कि समय अभी भी आपका बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। व्यापार में काफ़ी ज़्यादा समय अनुकूल बना हुआ है, इसका सदुपयोग करें, किसी से झगड़ा मत करें। 80% लाभकारी आज का दिन, हरे रंग का उपयोग करें और हो सके तो अपने बच्चे के हाथ से गणपति बाबा को दूर्वा चढ़ाएं, जिससे उसकी बुद्धि तीव्र होगी। हरे रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 6। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। समय की अनुकूलता आपके लिए भी मिश्रित फल लेकर आ रही है, मगर पॉजिटिव साइड ज्यादा है। स्त्रियों के लिए आज का दिन, पर्टिकुलरली वृषभ राशि वाली स्त्रियों के लिए, विशेष लाभ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समय अनुकूल बना हुआ है और आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियां जो नया काम शुरू करना चाहती थी, जो सरकारी नौकरी करती हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर समय है। 60% मिश्रित फल लेकर आया है आपके लिए समय। अपने बच्चे को आज ग्रीन शर्ट पहनाएं और हो सके तो गण गणपताय नमः का मंत्र उच्चारण करने के लिए बोलें। लाल रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 5। अगली राशि मिथुन राशि। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, आज बुधवार है। आज आप अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बप्पा की आरती गाएं, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लें और हो सके तो गणपति बप्पा को हरा कपड़ा, हरे मूंग की दाल, ये दोनों अर्पण कर दें। अपने आप अपने बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी और आपके दिमाग में भी डिप्रेशन दूर हो सकता है। व्यापार में ठीक ठाक समय है, 60% उत्तमता भरा दिन। ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 9। आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। चल विचलित, रेस्टलेस डे है आज आपके लिए, मगर कहीं ना कहीं उस रेस्टलेस में आप कोई चौका या छक्का मारने के पूरे प्रयत्न करेंगे और वो लग भी जाएगा। इसलिए 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये को प्रयत्न करें, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। गणपति बप्पा को दूध से उनका अभिषेक करें और गाय माता को एक आटे का पेड़ा खिला दें, उससे आपके बच्चे की और आपकी बुद्धि में तीव्रता बढ़ेगी। सफ़ेद रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 4। तो आइए अब अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। संगठन के साथ में, मित्रों के साथ में कोई नई पार्टी का आयोजन कर सकते हैं आप, और राजनीतिज्ञों को धनलाभ के योग बनते हैं, मगर क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। और आज जैसे मैंने कल बोला था कि आपके बच्चे की बुद्धि के लिए, परीक्षा के लिए, उसके दिमाग के लिए कोई टोटका ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। गाय माता को हरा चारा अपने बच्चे के हाथ से खिला दें, अपने आप उसकी बुद्धि तीव्र होगी, अच्छे नंबरों में पास होगा। कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए भी मिश्रित फल लेकर 60-65% उत्तमता भरा दिन है। आकाशी नीले रंग का इस्तेमाल करें, भाग्य अंक है 10। आइए अब अगली राशि की बात तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि के स्वामी भी बुध हैं। बुद्धि बुद्धम प्रदातारम होम वंश प्रवर्धनम। कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी बहुत तेज है। जो बच्चे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही सुंदर समय बना हुआ है। 108 बार ओम गण गणपताय नमः का इस मंत्र का जाप करें, पिस्ता या ग्रीन कलर की शर्ट पहनकर।
आज का दिन व्यापारियों के लिए भी उत्तम है। 80-90% वर्गोत्तम समय है आपका। आज हरे रंग का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 6। आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात करते हैं। सुबह सुबह गाय माता को चारा एक पेड़ा जरूर खिलाएं, और दूसरा भगवान गणपति को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं। तीसरा, व्यापार में बैठने से पहले मंगल मूर्ति मौर्या को प्रणाम करें। व्यापारियों के लिए दिन मध्यम है क्योंकि 7:30 का भी प्रकोप है। आज ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास मत करें, कहीं ना कहीं 50% उत्तमता भरा दिन है। भगवे कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 3। आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, बहुत से चैनलों के माध्यम से आपको डराया जा रहा है, मगर अगर आप गणपति बप्पा, हनुमान चालीसा इन दोनों का अध्ययन करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे और अपनी माता और पिता के चरण स्पर्श करते ही रहेंगे, तो आपको कहीं भी 7:30 का प्रकोप नहीं लगेगा। क्योंकि माँ और बाप, इनके चरणों में प्रणाम करने मात्र से राहु, केतु, शुक्र और शनि प्रसन्न होते हैं। वृश्चिक राशि के ऊपर 7:30 है। व्यापार में धीमी गति से चलें, नियंत्रण रखें। बच्चे की सेहत का और माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है आज आपने। ओम गण गणपताय नमः। 60% उत्तमता भरा दिन, लाल रंग का उपयोग और भाग्य अंक है 10। आइए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धनु राशि की। गुरुदेव की अपनी राशि है, साईं बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर आज लगा हुआ है। किसी स्त्री के माध्यम से, चाहे वो आपके ऑफिस में बॉस है, चाहे वो आपकी पार्टी की अध्यक्षा है, चाहे वो आपके घर में पत्नी, बेटी या माँ है, उनके माध्यम से कोई आपको बड़ा लाभ मिल रहा है। आज 4:30 के बाद एक विदेश से समाचार मिल रहा है जिससे आपको धन के आगमन का संकेत मिलेगा। कुल मिलाकर 60-65% उत्तमता भरा आपका दिन है। नीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 7। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, सोमवती अमावस्या गई है, शनि जो है वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, कहीं ना कहीं वाद विवाद से बचें। हो सके तो अपने बच्चों के साथ में भी ज़्यादा बहस मत करें। जब भी ऐसा हो तो राजज्योतिष की इस सलाह को मान लें। मगर व्यापार में वृद्धि के योग हैं, धन के आगमन के योग हैं, गणपति बप्पा की आराधना करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं और हो सके तो सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूरम समर्पयामि शुभ सुशोभनम। कुल मिलाकर 70% उत्तमता भरा दिन, पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 2। तो आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। जैसे मैंने कहा था कि बुधवार के दिन अपने बच्चों के लिए गणपति बप्पा को कैसे प्रसन्न करें, तो कुंभ राशि वालों से अनुरोध है कि आज आप भी गणपति बप्पा को दूर्वा चढ़ाएं और हो सके तो हरा चारा जो है वो गाय को खिलाएं, जिससे आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी। मगर व्यापार के लिए दिन उत्तम है, थोड़ा संभल कर चलने में ही अकलमंदी है। आज का दिन 80% उत्तमता भरा, स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 2। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। देखिए, गुरु आपकी राशि के स्वामी होने की वजह से आपको हर तरह से धन और अर्थ और धर्म का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। मगर तब भी कहते हैं कि बुद्धि बुद्धम प्रदाता राम होम वंश प्रवर्धनम, यानी अपनी और अपने बच्चों की बुद्धि को तीव्र करने के लिए हो सके तो पालक का साग जो है वो बनाकर उसके साथ में पूरी बनाकर आपको कम से कम 7 लोग पंडितों को खिलाई जाए और साथ में दक्षिणा दी जाए। कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए दिन मध्यम है, मगर चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है जिससे आपको विदेशों से कोई धन लाभ के योग बनते हैं। आज का दिन 60-70% उत्तमता भरा, सफ़ेद रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 12।